गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज मैं कॉन्सेप्ट मैपिंग अवधारणा मानचित्रण के बारे में पूरा बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखकर सभी विषयों का खुद से कॉन्सेप्ट मैपिंग बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहें। खुद से कैसे बनाया जाता है, यह आप खुद से बनाएंगे तो बेटर होगा। तो सबसे पहले आप ऊपर में कॉन्सेप्ट मैपिंग लिखिए या हिंदी में अवधारणा मानचित्रण। नीचे में यहाँ पर विषय, किस विषय का बना रहे हैं, कक्षा कौन सा है और प्रकरण कौन सा है, यानी कौन सा इकाई का आप बनाना चाह रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ कि आप लोग यदि फाइल को बनाकर जमा करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें और ऊपर में जोड़ दीजिए। पहला यहाँ पर जोड़ दीजिए स्कूल का नाम और उसके नीचे जोड़िए अनुक्रमांक और अंत में जोड़िए दिनांक। ये चार चीज, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज, यहाँ 6 चीज़ लिखिए आप लोग। क्या क्या? यहाँ पर विद्यालय का नाम, अपना अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम, अनुक्रमांक लिखेंगे और नीचे दिनांक, ये सभी चीज़ें। चलिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैपिंग का उद्देश्य आपको लिखना है। कॉन्सेप्ट मैपिंग का उद्देश्य क्या है, यह जानना जरूरी है। दोस्तों, क्यों हम इसको बनाएंगे, इससे बनाने से मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्या उद्देश्य है, तो इस उद्देश्य क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट मैपिंग कर लेंगे तो छात्रों को जटिल विषय आसानी से समझा पाएंगे। यानी छात्रों को जटिल विषय है, उसे आसानी से समझाना हो तो इसके लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग है। अध्यापकों को पाठ्यक्रम योजना बनाने में सहायता देना। हम लोग पाठ योजना या पाठ्यक्रम योजना या लेसन प्लान बनाते हैं, इसमें शिक्षण बिंदु आता है, क्या उसके बाद पढ़ाना है क्रमवार रूप से, इसमें आपको ये मदद करेगा। विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक प्रदर्शन को उच्च स्तर तक पहुंचाने में शक्तिशाली यंत्र के रूप में सहायता करता है, यह एक अंतर है। दोस्तों, यह एक ऐसा टेक्निक है जिसके सहायता से बच्चे बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाते हैं। आदर्श मूल्यांकन उपकरण के रूप में सहायता करता है, यह एक मूल्यांकन का उपकरण भी है। आप चाहेंगे तो इससे बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो ये आपका उद्देश्य हुआ। उद्देश्य लिखने के बाद आपको परिचय लिखना है। परिचय में अवधारणा मानचित्रण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिख देना है कि अवधारणा मानचित्रण एक रेखाचित्रीय संगठक होता है जिसका प्रयोग विद्यार्थियों को किसी विषय के प्रस्तुतिकरण और व्यवस्था करने में मदद करता है। सही और पूर्ण रूप से निर्मित अवधारणा मानचित्रण विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक प्रदर्शन को उच्च स्तर पर पहुंचाने का कार्य करती है। यह एक मूल्यांकन उपकरण भी है। तो आप परिचय यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद आपको अवधारणा मानचित्रण के चरण आप कैसे बनाएंगे इसका यहाँ पर जिक्र करना है, इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। मुख्य विचार, विषय या मुद्दे से शुरुआत करते हैं। कोई भी चीज़ का मुख्य टॉपिक होता है। मान लीजिए आप संज्ञा का बना रहे हैं, हिंदी का बना रहे हैं, तो हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो आप संज्ञा देकर ऐसे करेंगे और उसमें उसके नीचे 5 भेद देंगे, 5ों का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। ये हुआ इसका मुख्य बिंदु। यानी एक, सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे, एक प्रकरण का चयन करते हैं। प्रकरण का चयन करने के बाद प्रकरण के मुख्य विचार या मुद्दे को चयन करते हैं। कैसे चयन करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं दिखाया हूँ। इसको आप ऐसे बनाएंगे ज़्यादा बेटर होगा। मैं पहली बार भी बना रहा था इसीलिए ठीक नहीं बना, मतलब क्या कहते हैं, इसका ये डायग्राम देखने में सुंदर नहीं, बट इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। बट है क्या कि इसका ये लिखने का तरीका
यदि हम ऐसे लिखे रहते तो हमको ज़्यादा स्पेस मिलता, ज़्यादा लंबा, एक का यहाँ हो जाता, दूसरे का यहाँ हो जाता, तीसरे का ऐसे, लेकिन हमने क्या किया कि ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए, मैं मौसम का बना रहा हूँ तो मौसम मेरा प्रकरण हुआ, और इसका मौसम का ये मुख्य बातें या मुख्य बिंदु या मुख्य प्रकार ये हुआ। जैसे मौसम कितना होता है, सर्दी मौसम, गर्मी मौसम, बारिश, पतझड़ का मौसम, तो ये हम लोग पहले ऐसे करके लिख लेते हैं। तो ये हुआ मुख्य टॉपिक का चयन, ये हुआ आपका मुख्य टॉपिक, मेन टॉपिक, हेड टॉपिक का चयन ये हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं यही बता रहा था कि सबसे पहले मुख्य विचार, मुख्य मुद्दा या जो मुख्य टॉपिक है इसको चयन करते हैं। आप बच्चों से इससे संबंधित प्रश्न करते हैं और बच्चे इससे उत्तर देते हैं, और जो उत्तर देते हैं बच्चे उसको आप ये अपने तरफ से शुद्ध करके इस तरह से लिखते हैं। जैसे हम पूछ लेते हैं बच्चों को, सर्दी में क्या क्या होता है, तो बच्चे बताते हैं बहुत ज़्यादा ठंड लगता है सर, कपकपाते रहते हैं, नहाने का मन नहीं करता है सर, बर्फ़ गिरता है सर, हम लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं, रजाई के अंदर सोते हैं सर, या तो नवंबर फरवरी के बीच। अब इसको आप सही ढंग से लिख देना है। इसी तरह यदि बच्चा बनाता है, क्योंकि ये बच्चों से भी बनवाना है, तो बच्चों को भी आप एक के बाद बोल, सर्दी में क्या होता है बाबू, इसको यहाँ पर आपको लिखना है। एक नंबर ऐसे लिखो, सर्दी में क्या होता है, दो नंबर में यहाँ लिखो, तीन नंबर में ऐसे, चार नंबर में। एक दो बार आप इस तरह का घर बना देंगे तो बच्चे खुद इस तरह का डायग्राम बनाने शुरू कर देंगे। इसी तरह से हम गर्मी के बारे में बोलेंगे, गर्मी के बारे में बोलेंगे, गर्मी के बारे में इस तरह से लिखता जाएगा। फिर बारिश के बारे में लिखेंगे और बारिश के बारे में यहाँ पर लिखेगा। फिर पतझड़ के बारे में ऐसे डायग्राम, यहाँ पर चूंकि जगह नहीं बच रहा था इसीलिए मैं इसको एरो करके नीचे लिखा हूँ। तो आगे क्या लिखना है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहले लिखने का दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि यदि आप लोग 513 का सभी मटेरियल्स चाहते हैं, 514 का सभी मटेरियल्स चाहते हैं, सरल भाषा में याद करने जैसा नोट्स आपको चाहिए एग्ज़ाम के लिए, 506 से लेकर 510 तक का असाइनमेंट चाहिए, जो भी कुछ चाहिए आपको, सभी एक कॉम्बो ऑफर है, सभी को मात्र 100 रुपये में दिया जा रहा है। व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पर, ये सभी PDF फॉर्मेट में है, प्लीज़ कॉल नहीं करेंगे। दोस्तों मैं बेटर से बेटर मटेरियल्स देने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ ये नोट्स इतने सरल हैं कि एक बार पढ़ेंगे आपको याद रह जाएगा। सभी टॉपिक को कवर किया गया है, सभी MCQ, सभी यानी ये आपको फिर से बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा है। तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट पेज हम लोग अभी बता रहे थे, ये फर्स्ट पेज आप लोगों ने देखा, ये आपका पहला पेज था। अब मैं दूसरा पेज कैसे लिखना, ये आपका दूसरा पेज होगा। ये दूसरा पेज में पहला मुख्य हम लोग जोड़ लिए थे, देखिए अभी समझा रहे थे हम कि पहले आपको मुख्य बातों को चयन करना है, उसके बाद दूसरा जो काम है अधीनस्थ अवधारणाओं का निर्माण। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर गर्मी सर्दी ये मुख्य हुआ, इसके अधीनस्थ, इसके नीचे वाले, इसके अंदर जो चीज़ें होती है इसका निर्माण अब करना है और उसको यहाँ पर लिखते जाना है। लेकिन पदानुक्रम घटनाक्रम आपको एक के बाद एक लिखना है। मान लीजिए आप इतिहास का बनाएंगे तो इतिहास में घटना एक के बाद दूसरा हुआ है, मान लो 1885, 1886, 1887, तो ऐसा नहीं कि 1887 ऊपर में लिखेंगे, 1885 नीचे लिखेंगे, 1883 फिर बीच में लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। उस समय आपको ध्यान रखना है कि निश्चित घटनाक्रम में आपको लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे, अंत में सबको आप जोड़ते हुए एक श्रृंखला बना देंगे। ये श्रृंखला जिस तरह से मैं दिखाया आपको उस तरह से, दोस्तों फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, नोट्स आप लोग बेटर नोट्स है, बहुत मेहनत करके मैं बनाया हूँ, आप सभी का एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, बेहतर तैयारी होगी,
आपको मटेरियल्स भी बेहतर से बेहतर मिलेगा। दोस्तों 100 रुपये, सोचिए आपको एक दो ए, इसमें चार सब्जेक्ट हुआ असाइनमेंट, चार सब्जेक्ट का कितने चीज़ें मात्र 100 रुपये में मिल रहा है, PDF में है। दोस्तों आज ही इस नंबर पर आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप करें, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कैसे आपको करना है। जब आप ये लिख लेंगे तो इसको लिखना है अंत में। आप लोग इसको ऐसे करेंगे, देखिए ये ज़्यादा बेटर होगा, मैं बार बार आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ मौसम लिखेंगे, इसको लंबा ऐसे चारों लिखेंगे, यहाँ पर गर्मी का, ऐसे सर्दी का, उसके बाद इस तरह से सब चारों आपको लिख देना है। दोस्तों देखिए मैं इसको आराम से जो लिखना चाहते हैं इसी को देख करके मैं नीचे कर दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।